हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए, और हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग देते रहिए। दिवाली के खास मौके पर खेसारी यादव की एंट्री हुई है बिग बॉस में, क्या क्या मैं तो बहुत खुश हूँ कि दिवाली के शुभ अवसर पर हमारे एक भोजपुरी के बेहतरीन कलाकारों में से एक खेसारी लाल यादव बिग बॉस 13 में एंटर हुए हैं, और मेरे को लगता है जिस तरह वो सब फिल्मों में इंटरटेनमेंट करते आए हैं, इस तरह वो बिग बॉस 13 में भी सभी दर्शकों को एंटरटेन करेंगे। और ख़ास तरह से जिस तरह के वो इंसान है, जो हाजिर जवाबी उनमें हैं, और एक जो अपना वो एक लगता है कि जिस तरह बिग बॉस में आजकल मैं देखता हूँ कि काफ़ी भाषाकार ये प्रयोग होता, वैसा नहीं करके वो अपने तरीके से करेंगे, और भोजपुरी दर्शक उन्हें बहुत प्यार करते हैं, तो मेरे को लगता है वो काफ़ी आगे तक इस बिग बॉस में जाएंगे। हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ में। मोनालिसा से अच्छा खेलेंगे खेसारी, आपको लगता है कुछ ऐसा? हाँ, मोनालिसा का टाइम कंटेस्टेंट अलग थे, अभी के जो कंटेस्टेंट है वो अलग है, और अभी बिग बॉस में से हम देखते हैं कि पूरे टाइम वो लड़ाई कर रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन जो खेसारी जी है वो कम बोल रहे हैं और कम बोलेंगे, लेकिन जो कम बोलेंगे लेकिन उसमें बहुत कुछ वो बोल जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। फॉलो करते हैं? हाँ, बिग बॉस में ऐसे मैं तो ज़्यादा टीवी नहीं देखता हूँ, लेकिन जब भी घर पे जाने का टाइम होता है बच्चे लोग ये देखते हैं, और जबकि उनको पता है कि उनके पापा ने उनके साथ पिक्चर बनाई हुई, काम किए हुए हैं, तो वो लोग इस तरह से जानते हैं। बाकी भोजपुरी को नहीं जानते, पर वो खेसारी लाल यादव को जानते हैं। आप खेसारी लाल यादव विनिंग हाँ, हम सब चाहते हैं कि वो विनिंग होके आवे, उनमें कैपेबिलिटी है, फिर आगे देखिए, और जिस हिसाब से वो आगे उनका खेल निकलेगा मेरे को लगता है वो जरूर जीतेंगे। ऑल द बेस्ट खेसारी लाल यादव। फिल्में तो मेरी अभी जैसे सबसे बड़ा चैंपियन अभी रिलीज होगी वो सेंसर हो गई है, वो अभी अगले महीने तक रवि किशन जी की मूवी वो रिलीज हो जाएगी। फिर जो हमने दो फिल्में राजस्थान में की है उसमें करीब भोजपुरी के अंदर पहली बार 1.5 करोड़ का सेट लगा के उसमें गाने वगैरह सब बनाए गए हैं, वो एडिट पे हैं। अभी एक समर सिंह जो सिंगर है उनकी लाल चुनरिया जो नीलाब तिवारी ने डायरेक्ट की है वो कम्प्लीट हुई है, और आगे की 2-3 फिल्में अभी दिसंबर तक मेरे को लगता है सभी सेट पे चली जाए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.